देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। मैं रवि प्रकाश कुशीनगर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब के आदेशों का पालन करते हुए आज तमकुही राज के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन देखा गया, जिसके बीच कुछ लोग चहलकर्मी करते हुए नजर आए, जिसमें आते जाते लोग हमको नजर आए। आइए मैं आपको मिलाता हूँ एक SSB जो यहाँ के भावी चेयरमैन प्रत्याशी हैं, बड़े भैया JP गुप्ता जी। आइए मैं आपसे आपको उनसे मिलाता हूँ। JP भैया, आप लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए निस्संदेह इस समय जो देश में ये बीमारी चली है, पिछले वर्ष भी काफ़ी व्यवस्थाएं जो थी गड़बड़ थी, लेकिन सरकार ने काफ़ी योजनाएं, काफ़ी व्यवस्थाएं लोगों के लिए, लोगों को समझाने से लेकर के और जो भी प्रयत्न हो सकते थे वो सरकार ने किया। इस साल भी उम्मीद नहीं थी कि कोरोना इस तरह से भयावह स्थिति ले लेगी, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में इस समय स्थिति नज़र आ रही है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, निस्संदेह यह स्थिति खतरनाक है। और आम जनमानस को यह समझने की ज़रूरत है कि हमको कोरोना से बचना है। देखिए सरकार तो सारी व्यवस्थाएं कर रही है, सरकार निर्देश भी दे रही है, सरकार को ज़रूरत पड़ रही है तो देखिए आज रविवार को लॉकडाउन भी लगाने का फैसला लिया है, लेकिन निस्संदेह जब तक आम जनता इसमें अपनी पूर्णतः भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं करेगी तब तक इससे बचाव संभव नहीं। निस्संदेह हर व्यक्ति को सोचना होगा, आप सरकार के निर्देशों का पालन करें और लॉकडाउन में सरकार के द्वारा जो निर्देश मिल रहे हैं उसके अनुसार आप अपने घरों में रहें, लोगों से मिलने का कम प्रयास करें, मास्क पहने, 2 गज दूरी बना करके रखें और भीड़ में ना जाएं, भीड़ से बचिए, विशेष मैं ये कहना चाहूँगा। भैया एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, सरकार ने जो फैसला लिया है, वो फैसला सही है या गलत है? देखिए सरकार का फैसला गलत कैसे होगा, सरकार चाहती है कि उसकी जनता जो है वो महफूज रहे, सुरक्षित रहे और निस्संदेह जनता के हित में लिया गया है। सफाई जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो ये फैसला किया है निस्संदेह सही किया है और मुझे लग रहा है कि ये आगे भी बढ़ने वाला है, निस्संदेह बढ़ेगा। सरकार को जो एहतियातन कदम इससे उठाने चाहिए वो सरकार उठाएगी। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा JP आपसे कि जो ये काम हो रहा है, जो ये आपके पीछे दिखाया गया है, ये काम जो पूरी सफाई करनी चल रही है, पूरी ये लेके पूरी मारा जा रहा है, ये किसकी देख रेख में हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? ये निस्संदेह परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ये कार्य कराए जा रहे हैं और चूंकि बाजारें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग दुकानों में नहीं हैं, इसलिए आज सैनिटाइजिंग का काम नगर पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। देखा है। चलिए भैया धन्यवाद, इतना बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सभी जनमानस से कि इस वक्त की जो कोरोना महामारी जो है वो पहले से भयावह है, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और कैमरामैन अशोक शर्मा के साथ रवि प्रकाश, कुशीनगर, नमस्कार।